होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी जून मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और इसमें मैं आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को पिक करने की कोशिश करूँगी। यहाँ इस साइड पे मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी एनर्जी होंगी, और इस साइड पे आपके पार्टनर की एनर्जी, और बीच में जो कार्ड होगा वो आपकी म्यूचुअल एनर्जी और करंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं वीरगोस आपके लिए। The messages for Virgos regarding their love life. Okay, first card is the Moon card. Or Knight of Pentacles. Eight of Wands. High Priestess and Knight of Wands and Eight of Wands. Knight of Wands के साथ Eight of Wands है, और अंडरनीथ में आपके यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो मैं स्ट्रेंथ भी जो है वो रखूँगी। ओके, अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं कि आपके पार्टनर के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। वी गो पेज ऑफ कप, और अंडरनीथ में आपके पास है द वर्ल्ड। ओके, और आपकी म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं? टेन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। अंडरनीथ द डेक आपके पास है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप कुछ किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, और किसी मैसेज का भी वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर की तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हो, या क्योंकि आप वेटिंग पीरियड पे हैं, और हो सकता है कि आप किसी कहीं से किसी मैसेज का, किसी इन्विटेशन का वेट कर रहे हैं आप, या तो किसी मैरिज प्रपोजल का वेट करें, या फिर किसी कंपनी है जहाँ से आप जॉब हो सकता है, जॉब की या वर्क सिनेरियो भी हो सकता है जहाँ से आप इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे हो। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको ज़रूर वो इंटरव्यू कॉल आ सकती है, या फिर आप उस जो भी प्रपोजल आपकी तरफ आया हुआ है आप उसमें बैलेंस करने में कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है जेनरस सैलरी ऑफ़र हो सकती है आपको वहाँ से, और जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो डेफिनेटली आपको लगता है कि वो आ रही है आपके पास। मतलब हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ से मैसेज का वेगोस, तो डेफिनेटली आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल एनर्जी जो है आपके कनेक्शन में और आपका जो सिचुएशन है वो ये है टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो फैमिली के अबंडेंट एंड हो सकता है आप अपनी फैमिली अपने पार्टनर के साथ जो है कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम कर रहे हो, और एक सॉलिड कमिटमेंट और एक फैमिली बनाना चाहते हो उस पर्सन के साथ, और या फिर आप दोनों ही इस कमिटमेंट को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और लाइक एक अबंडेंट चाहते हैं जो इस रिलेशनशिप में, वो अबंडेंट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है इन मंथ ऑफ जून में। सो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है कि आपके अंडरनीथ में ये कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, स्ट्रेंथ पकड़ रहे हैं अपने आप में, और या फिर आपकी रेपुटेशन में इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि आपकी पर्सनैलिटी में इतनी स्ट्रेंथ आ गई, आपकी एनर्जी में इतनी स्ट्रेंथ है, या फिर जो डिवाइन टाइमिंग ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हुए हैं अमंग पीपल्स, लोगों के दरमियान आपकी एक से है, और हो सकता है कि लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है आप किसी ऑफ़र के हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, या तो ये एक वर्क की ऑफ़र है उसके हवाले से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और जिस
लेकिन वो मनी में बहुत ज़्यादा अबंडेंट है वो ऑफ़र, लेकिन आप उसमें कंफ्यूजन का शिकार हैं कि आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और कुछ मिस्टीरियस है इसमें, आप अपनी गट्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपके गट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि यस यू हैव टू टेक दिस ऑफ़र, बट या आपके आप अपने पार्टनर की तरफ एक कमिटमेंट लेकर जाना चाहते हैं जो कि अबंडेंट है इन ऑल एस्पेक्ट्स, और वो आप उसमें कन्फ्यूजन है कि आपको ये ऑफ़र उसको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपके गट्स फीलिंग यही कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द टाइम, और ये एक वक्त से पहले होगा, हो सकता है कि आपके इंट्यूशंस आपको ये कह रहे हो, बट आपको आपको अगर ये जॉब ऑफर है तो आपको लगता है कि ये ऑफर सीरियस नहीं है या इसमें कुछ मिस्टीरियस है, बट मुझे लगता है कि थिंग्स जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी क्विकली, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, हो सकता है आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाए आफ्टर दिस क्विक कम्युनिकेशन, हो सकता है उस पर्सन की तरफ से आप एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर आप स्लोली आप बहुत ज़्यादा वेट के आहिस्ता आहिस्ता इस कमिटमेंट में एंटर हो रहे होना चाह रहे थे, या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि इस कमिटमेंट में आपको एंटर होना चाहिए या नहीं, तो आपके गट्स आपको कहेंगे कि यू हैव टू गो, और सब चीज़ें जो है वो क्विकली होना शुरू हो जाएंगी। एक एक टॉक और फिर चीज़ें जल्दी जल्दी मूव जो है वो फास्ट होना शुरू हो जाएंगी। और या फिर आपके गट्स कहते हैं कि आपको बात करनी चाहिए, यू नीड टू टॉक, और ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए। या फिर अगर ये जॉब ऑफर है तो आपके गट्स आपको कहते हैं कि आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि आपके लिए और आपके पार्टनर दोनों के लिए एक अबंडेंट लेकर आएगा आपकी लाइफ में, और आपको इस कमिटमेंट में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बिकॉज़। और जो कि आपकी जैसे कि आपके अंडरनीथ के कार्ड भी यही कहते हैं कि एक ऑफ़र है आपके पास, हो सकता है वो किसी मल्टी नेशनल से कंपनी से हो या फिर ओवरसीज़ से हो, और जो कि जेनरस हो टूवर्ड मनी, या फिर आपका पार्टनर जो है वो आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं और उनके मैसेज का वेट कर रहे हैं, हो सकता है मैरिज प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ से, जो कि आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पे हैं। हो सकता है वो ओवरसीज़ में हो, किसी कहीं और अच्छी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते हो, इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने के हवाले से ख्वाब देख रहे हैं, या आपके पास वो ऑफ़र है बट आप कन्फ्यूज़ हैं उसको आप एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो चीज़ें बहुत क्विकली मूव फॉरवर्ड होंगी, और आपके लिए वो ये जो डिसीज़न है एक अबंडेंट लेके आएगा आपकी लाइफ में। और आपका जो पार्टनर है वो डेफिनेटली आपसे वो भी इस कमिटमेंट को चाहते हैं, और इस कमिटमेंट को चाहते हैं मेरे को, और हो सकता है कि वो भी बहुत ज़्यादा अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, और या तो उन्होंने एक नया बिज़नेस शुरू किया है जो कि गाड़ियों से रिलेटेड है, या फिर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, इस हो सकता है कोई जॉब ऑफर उनके पास भी है और वो ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, या फिर आपका पार्टनर भी एक अबंडेंट लाइफ चाहते हैं जिनका जिसका जो चार्ज है वो उनके हाथ में हो, और बिल्कुल चार्ज लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और आपके साथ म्यूचुअल कोलैबोरेशन से चलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हो सकता है एक कम्युनिकेशन आए और वो आपको, हो सकता है अगर आप में और आपके पार्टनर में बातचीत नहीं हो रही तो वो एक अपॉलोजी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ये रीडिंग ये एनर्जीज वॉइस वर्सा भी हो सकती हैं, ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है और ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है और ये आपकी एनर्जी हो सकती है, इस तरह भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका आपको जो भी पर्सन है वो
उसकी तरफ आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, या फिर आप अपने पर्सन के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर वो पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है, या फिर वो ओवरसीज से हैं उनका ताल्लुक, और बहुत अच्छी कोलेब्रेशन बन सकती है अगर वो पर्सन ओवरसीज से है, किसी कहीं और से एक रिलेट करता है, तो ये एक अच्छी कंट्रीब्यूशन बन सकती है आपके और उस पर्सन के दरमियान, और वो पर्सन अब पूरी तरह विलिंग है आपको अपना लव ऑफ़र करने के लिए, और वो एक इनिशिएट भी ले सकते हैं टू टॉक, और कमिटमेंट में वो इनिशिएट भी ले सकते हैं, और वो एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। सो वीरगो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।